से है तुमने? बलजीत रोहिला। बलजीत रोहिला हिंदी डिपार्टमेंट से। अंकुर वाला मैथ्स डिपार्टमेंट। अंकुर वाला? हाँ मैथ्स डिपार्टमेंट। आप भी अलुमनी में कहीं गई होगी? आप भी सर मैं डीयू से हूँ तो होगी तो जरूर। अभी हमें रिसेंटली पास आउट है 15 में, तो अभी हमारा मीट हुआ नहीं है, तो होगा तो डेफिनेटली हम जाएंगे। आज इतना यानी कि एक और स्टूडेंट्स की क्राउड यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने का था नहीं कि इतना क्राउड आएगा, पर बहुत ज़्यादा आया है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हाँ जी सर। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में हमें बताइएगा कि ऑल स्टूडेंट मीट कैसी रहती है? सर अभी मैंने एक भी मतलब ज्वाइन नहीं किया है, मतलब करेंगे तब मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैम से पूछिए, मैम थोड़ा सीनियर है, कुछ बता सकते हैं। मैम तो मुस्कुरा रही हैं, मैम बताइए। सर इसमें ना सभी एज ग्रुप के जो है स्टूडेंट्स रहे जो वो यहाँ पे मिलती हैं, जो काफ़ी अलग अलग फील्ड में चले जाती हैं। पहले तो यहाँ पे इकट्ठे पड़े होते हैं, पर फिर बाद में अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। और जब ये मतलब उसका एक मेन मकसद यही रहता है कि जो अलग अलग फील्ड में लगे हुए हैं वो सारे यहीं आए, इकट्ठे मिले, और फिर मतलब एक तरह से उनका मिलन हो जाता है यहाँ पे आकर। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हासी की आवाज़ चैनल से। आज एक ऐसे कॉलेज के एडिटोरियम में हम खड़े हैं जहां पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए नेहरू मेमोरियल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, पीजी कॉलेज जिसे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कहें, 1968 के अंदर इसकी स्थापना हुई। इस कॉलेज ने बहुत करवट ली। ये एक धर्मशाला में स्टार्ट हुआ कॉलेज 1968 में। एक धर्मशाला हुआ करती थी ऐतिहासिक बर्सी गेट के साथ लगती। यहाँ आज और स्टूडेंट एलुमना ही है, पुराने छात्रों का सम्मेलन है, एक कठ जिसे कहें हरियाणवी के अंदर। यहाँ बहुत से प्रिंसिपल रहे, बहुत से लेक्चरर्स रहे, प्रोफेसर रहे। सबसे पहले मैं रोशन लाल जी जो मेरे गुरु भी रहे हैं और इकोनॉमिक्स के बहुत प्रोफेसर रहे और मेरे ख्याल पैनलिस्ट भी हैं, आप जजमेंट भी करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, आप अपनी याद बताइएगा कब रहे इस कॉलेज के अंदर, जब ये दर्तकों के नीचे, वृक्षों के नीचे कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाता था। धन्यवाद। मुझे अपार खुशी है कि मुझे अपने महाविद्यालय में अतिथि के तौर पे बुलाया गया। जब मुझे अपने पुराने चेहरे याद सामने खड़े दिखाई देते हैं, अपार खुशी। और हमारे बीच में हमारे पुराने साथी जो इस महाविद्यालय के संस्थापक प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, आज मैडम राज मेहता हमारे बीच में हैं। 1968 में कॉलेज स्टार्ट हुआ, तब से ये यहाँ पे हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर जयपाल रेडू, प्रोफेसर आईएस मलिक, डॉक्टर सूरज भान जी, प्रोफेसर ओपी बरगोटी, आज सारे पुराने टीचर्स को यहाँ बुलाया। हमें अपने पुराने साथियों से मिलके, पुराने विद्यार्थियों से मिलके अपार खुशी होती है। मैं पर्सनल तौर पे 1971 में इस कॉलेज को मैंने ज्वाइन किया था, जुलाई 97, और इस महाविद्यालय में मैं 1976 से 1984 तक NSS प्रोग्राम ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ डांस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ इस कॉलेज में कई तरह के काम मुकाम हासिल किए। इस कॉलेज को सरकारी बनवाने में यहाँ के प्राध्यापकों का, यहाँ की मैनेजमेंट का, शहर के लोगों का, उसमें चंद्र प्रकाश जी हमारे मध्य आए हुए हैं और दूसरे भाई सब का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम उस कॉलेज को वहाँ शिफ्ट करके यहाँ लाने में भी हमारा योगदान रहा है। सर मैं जान पाऊँगा अन्य दिन। राजपाल जी, आपके पिता श्री इस कॉलेज के रोल मॉडल रहे, राव गुगन सिंह जी का नाम को नहीं जानता, उन्होंने इस कॉलेज को एक आयाम स्थापित करवाया, एक एजुकेशन सोसाइटी को दिया। आज आप भी इस कॉलेज के एलुमनाई हैं, एक वकील हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, कई इंस्टीट्यूशंस के आप चेयरमैन भी एजुकेशन के, कैसा लग रहा है आपको अपनों में लाकर? राजीव जी आज इतना अच्छा महसूस हो रहा है, विशेषकर जिन गुरुजनों ने हमें पढ़ाया, जिनसे शिक्षा ग्रहण की, उनके बीच पाकर, ये संयोग ही है, अदरवाइज तो कोई मिलता नहीं, आज संयोग है। और जैसे प्रोफेसर रोशन लाल जी हैं, ये हमारे गुरु रहे,
एनएसएस के होली सोली थे, इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज कल्चरल एक्टिविटीज खासकर हरियाणी संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा। गर्ल्स डांस तो होते थे, बॉयज डांस में भी यूनिवर्सिटी चैंपियन ही अपनी टीम को बना के ले गए थे, जिसमें हमें पार्ट प्ले करते थे, उसके सदस्य होते थे टीम के। हाँ, जो फेमस होता था कि जब यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब टीम जाती थी तो अनाउंस होता था गोगा डांस, तो लोग ताड़ियाँ बजाते थे, प्रोफेसर रोशनलाल की टीम यहाँ आ गई है। आज सभी हमारे साथी धर्मवीर गोयत जी हैं, ये भी आज कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हैं, अच्छे उद्योग में काम कर रहे हैं। हम भी काफ़ी दिन बाद आज यहाँ मुलाकात हुई, काफ़ी हमारे पुराने साथी यहाँ मिलने का मौका मिला। और जब ये ग्रामीण अंचल में कॉलेज की स्थापना हुई थी तो स्टार्टिंग में मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि जैसे प्रोफेसर रोशनलाल जी हैं, प्रोफेसर रेड्डू हैं, मैडम राज मेहता हैं, ओपी भरगोटी जी हैं, तो ये सारा का सारा इतना अच्छा स्टाफ मिला था, तो यहाँ से इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने अच्छे अच्छे बच्चे शिक्षा हासिल करके अच्छे मुकाम पे पहुँचे। धन्यवाद सर। वो साथ मेरे साथ मेरे परम मित्र रामनिवास शर्मा जी हैं, मैं इनको हरियाणवी संस्कृति का या जिन्होंने एक हासी यानी कि ऐतिहासिक नगरी को नाम दिया, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ही इनकी कमेंट्री जाती है, इज ए गुड कंपेयरर आल्सो और बहुत अच्छा मन संचालक भी है और अपने आप में इस कॉलेज के बेस्ट एक्टर भी रहे हैं। मुझे इनकी एक पेंटोमाइम बड़ी आती थी जब ये अंधे का रोल करते थे अर्जुन जी। रामनिवास जी कैसा लग रहा है शर्मा जी आपको यहाँ आके, अपनों में आके आप बहुत इस कॉलेज के आइकॉन रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो आपका आभार है कि आप इस मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये चीज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए कॉलेज नहीं बल्कि हम तो इसको तपस्थली मानते हैं और यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट और प्रोफेसर के रूप में तो चलो जैसा व्यवस्थाएं ने आज्ञा दी है वैसा बना है, लेकिन हम एक पारिवारिक रूप में रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ऐसा माहौल था कि रस्ते में चलते या कैंटीन में बैठे प्रोफेसर साहब ये कह देते थे धमका के कि चलो आज लेसन नया पढ़ाना है। ऐसा तो घर पर ही मिल सकता माहौल, परिवार में मिल सकता है। बड़ी खुशी हुई है, स्पोर्ट्स में था, वॉलीबॉल रेडू साहब ने बड़ा सिखाया, क्रिकेट अग्रवाल साहब खिलाते थे कॉलेज की टीम में खेला, और कल्चरल के तो मसीहा खड़े ही हैं, गोगा डांस और मैडम मेहता कव्वाली और फोक सॉन्ग आदि में इनका था, और भरगोटी जी थिएटर का इंचार्ज थे तो उसमें मुझे तो आपकी वो रागनी बड़ी पसंद आ रही है, सुगर तो तब भाग रहा है घनघोर गठा सामने की छोड़ी रे गावा के सुविधा पिंग दी सामने की, ये सारा कुछ आपने सिखाया गुगे दास भी आप पपिया बोले बाग में। हां क्या बात है, पीपी पपैया बोले बाग में, हेरी नूमत बोलर गजबी बाग में। क्या बात है, पंडित लक्ष्मीचंद जी की रागनियों का जो एक खीरा रहा है, उन्होंने बहुत याद दिलाया लहरू कॉलेज का। अरे पुलिस साहब, पुलिस अरे आइए आइए जय सिंह जी, ये भी रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर, रिटायर हो चुके हैं लेकिन युवा लगते हैं। मैडम मेहता से मैं जान पाऊंगा, मैडम जी आप यहाँ की स्थापक प्रोफेसर भी रही हैं, मेरा प्रिविलेज तो कैसा लग रहा है अपनों में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम राज मेहता मैथमेटिक्स के लिए आप कल्चर की भी रही हैं यहाँ, आपने म्यूजिक को भी किया है? हाँ बिल्कुल किया है, बहुत सर राजगर यहाँ पे 2000 से 2003 तक प्रिंसिपल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आज आके सबसे मिल के। प्रोफेसर साहब नमस्कार, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा जी, मैं वी आर रिमाइंडिंग दोज ओल्डन डेज। अच्छा, दैट सुनाई दे, दैट वाज द गोल्डन एज एंड वेरी गुड एज कंपैरेटिवली। आर्य जी आप यहाँ रहे, यहाँ प्रोफेसर रहे, आजकल गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में है, बहुत अच्छे कंपेयरर भी हैं और इकोनॉमिक्स के आप डॉक्टर हैं, तो बताइए कैसा लग रहा है यहाँ? मेरे को एक छात्र के रूप में आना यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता कि उस टाइम वाली रागनी की आप बात कर रहे हैं कि हम भी क्लास में गाते थे रागनी। फिर सो कर देख बाग हरिया गन घोर गटा सामण की, अरे छोरी गाँव में गीत रसीले या झूल गली कामण की। थोड़ा जी मेरे साथ बैठे हैं, आप भी
स्टूडेंट के नाते उपस्थित हुआ हूँ और मुझे इस कॉलेज में 2 वर्ष तक लगातार छात्र संघ का अध्यक्ष रहने का मौका मिला है। तो उसी परिस्थितियों में, उसी माहौल में आज हम उपस्थित हैं और बहुत अच्छा लगा कि हम पुराने जूनियर और सीनियर स्टूडेंटों से, साथियों से मिलेंगे, इसके लिए बहुत। प्रिंसिपल बजाज जी, आप यहाँ के संस्थापक प्रिंसिपल भी रहे और यहाँ आपने बहुत समय गुजारा है, तो कैसा लग रहा है? ओल्ड एज तो हो गए हैं, लगता है कि प्राक्रम कुछ, यानी कि वैसे शारीरिक रूप से थके हैं लेकिन मानसिक रूप से तरोताजा है। आप यहाँ के संस्थापक प्रिंसिपल रहे, आपने स्कूल के बड़े उतार चढ़ाव देखे इस कॉलेज के, कभी तंबुओं में लगता था, कभी यानी पेड़ के नीचे भी हम बैठ के पढ़ते थे, और आज इतना विशाल ऑडिटोरियम नजर आ रहा है, कैसा अनुभव रहा? बहुत शानदार लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं संस्थापक नहीं था, पहले ये था नेहरू मेमोरियल कॉलेज। हाँ, मुझे पता है वो तो प्राइवेट था, लेकिन वो संस्थापक तो थे डॉक्टर रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी थे जो धर्मशाला में लगता था, हिंदी संस्कृत के विद्वान थे। विद्वान थे, मेरे तो टीचर भी रहे हैं, और उन्होंने कम से कम 7-8 साल यहाँ प्राचार्य का पद संभाले रखा है। तो कॉलेज तो जो बना है ना, इनके समय में बना है। ही इज स्टिल अलाइव और नो मोर? ही इज गॉन। तो मैंने ज्वाइन किया था 75 में, मैं रहा था 2.5 साल। कैसा लग रहा है? बस हमें ऐसा समरण बताइएगा, अपनी मेमोरीज बताइएगा। आज का तो ऐसा है कि यादों का समंदर सा उमड़ रहा है, ज्वार भाटा सा है हुआ है, एक एक आदमी पता नहीं कितनी बातें कर सकता है, क्या बात। और उसमें आप और हम सुनते ही रह सकते हैं। थकाने की खुशी है इस प्रोग्राम के, कैसा महसूस करेंगे? मैं बहुत दिल के करीब 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 मेरे से 4-5 साल छोटे लोग उसके एलुमनाई है कॉलेज के, उसका कॉलेज का इतिहास भी होता है, एलुमनाई इंस्पिरेशन भी होता है प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए, और इस कॉलेज के अपने अचीवमेंट्स के लिए आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ मैंने उसका इनॉग्रेशन किया, उसमें बड़ा अच्छा मटेरियल लगा और बड़ा अच्छा हाल बनाया है, पैसे का ठीक इस्तेमाल किया। सर कुछ और भी बताना चाहेंगे, कुछ एन आर सी वगैरह? वो तो एक मीटिंग कर लेंगे इसके बाद कर लेंगे। हाँ, इसके बाद हाँ पक्का, आज सारा दिन यही हूँ, जितना टाइम आप कहोगे उतना ही। और ठीक है सर, ये बड़े इनॉग्रेशन भी किया, बताना चाहूँगा कि ये